हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, ऑन एडिशन ऑफ विच एलिमेंट द ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न्स कलरलेस सॉल्यूशन। हमारे पास CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। तो वो कह रहा है कि हम इन चारों में से कौन से एलिमेंट्स उसमें डाल सकते हैं ताकि वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन कलरलेस हो जाए। तो बच्चों, लेट अस सपोज मेरे पास CuSO4 है और मैंने उसमें एक एलिमेंट डाला X, ठीक है। अब वो पूछा है कि ये X क्या है। तो बच्चों, ये X क्या होगा? रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट या फिर मेटल कॉपर से ऊपर होगा वो कॉपर को CuSO4 सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। तो क्या बन जाएगा? XSO4 प्लस कॉपर। तो अब बच्चों, ये X क्या है? हम जानते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो है Ag, Au और Hg कॉपर से नीचे होते हैं, बट जो जिंक है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर होता है। तो जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके ZnSO4 बना देगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो ब्लू कलर सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस होगा। सो द आंसर इज सी, जिंक। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।